इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक बलून, अपना मनचाहा कलर एंड वाटर कलर्स, आपका मनचाहा कलर एंड एम्प्टी ग्लू बॉटल। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसे बनाने के लिए करनी होगी वो है इस वीडियो को एंड तक देखना, और हाँ लाइक करना मत भूलना। तो सबसे पहले अपना बलून लीजिए एंड उसके अंदर आप एक ईयरबड की मदद से ब्लू कलर को भर दीजिए। तो ईयरबड की जगह आप कुछ भी स्टिक यूज़ कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो मैं यहाँ पे ईयरबड का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल था। एंड गाइस, ना हम इसे बनाने के लिए कोई टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, ना ग्लू, ना कोई फ्लोर। तो ये ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। तो जब आप इनफ कलर भर लें उसके बाद हमें इसके अंदर भरना होगा पानी। यस, हम ग्लू का यूज़ नहीं करेंगे, हम पानी का यूज़ करेंगे। तो एक एम्प्टी ग्लू बॉटल में पानी भर लो एंड उसकी कैप लगा लो जैसा मैं दिखा रही हूँ। एंड देन उसकी मदद से हम बलून के अंदर भरेंगे अपना पानी, और सिर्फ पानी से ही बहुत ही अच्छी रिलैक्सिंग स्ट्रेस बॉल बनके तैयार हो जाएगी। सो इसमें बहुत ज़्यादा पानी मत भर देना, नहीं तो ये फट जाएगा। एंड पानी भरने के बाद उसमें से एक्सेस एयर को निकाल लो जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। थोड़ा सा मैस तो होगा बट बाद में क्लीन कर लेना और उसे मिक्स कर लो। एंड बन गई DIY रिलैक्सिंग स्ट्रेस बॉल। जरूरी नहीं है आप इसमें सिर्फ ग्रीन कलर बनाओ, आप कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से अपना मनचाहा कलर तैयार कर सकते हो। जैसे कि अगर आप उसके अंदर पिंक कलर भरोगे तो वो हल्का सा ऑरेंज या रेड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दो और बॉल बना लिए, इसमें से ये इसमें ऑरेंज शेड बाहर आता है एंड ब्लू वाले में मैंने कलर ऐड ही नहीं किया, ये मुझे ऐसे ही अच्छा लगा। सो गाइज, इस 100% वर्किंग और ओरिजिनल आइडिया के लिए एक लाइक तो बनता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।